जो हमारा इंडिया के बारे में, इंडिया के, और सबसे पहली बार पहली चीज़ तो सीखा मेरे को ये जो अर्गुस न्यूज़ है, अर्गुस न्यूज़ के बारे में मेरे को पहले पता चला। ये मेरे को पहले पता था क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरे को पता नहीं था। मेरे को पता चला कि इसके बारे में, उसके बाद मेरे को उड़ीसा के जो नॉलेज कल्चर है या उड़ीसा के बारे में पूरा पता चला। उसके बाद अर्गुस न्यूज़ के और एक जो असाइनमेंट अर्गुस और एक जो हुआ उसमें पता चला कि उधर का CEO वगैरह सब कुछ कौन कौन है, सब कुछ मेरे को पता चला। एंड एट लास्ट मोमेंट अभी मेरे को जो पता चला जो मतलब खाने पीने के बारे में या हेल्थ के बारे में जो चीज़ हो रहा वो चीज़ हमको पता चला। बाकी ऑल ऑफ मेरी फ़ायदा बने तो मतलब सब कुछ ऑल ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। मैं एक सेकेंड ईयर का सीनियर स्टूडेंट हूँ, मैं सीनियर स्टूडेंट आके इधर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इधर आके बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला सबसे बड़ी बात। एंड थैंक यू मेरे को इनवाइट देने के लिए, इधर आने के लिए। एंड थैंक यू। माई नेम इज़ राजेंद्रिया पालित, आई एम फ्रॉम IHM भुवनेश्वर एंड इट्स इंस्पिरेशनल प्रोग्राम एक्चुअली एंड इट वॉज अ ग्रेट थिंग्स टू लर्न अबाउट टूरिज्म इन इंडिया एंड एवरी थिंग अबाउट द ऑन गोइंग सिनेरियो ऑफ इंडिया। इट वॉज रियली नाइस द थिंग्स दे हैव द पैनल मेम्बर्स द डेलीगेट्स एवरी थिंग दे आर रियली गुड अबाउट इट। दे हैव लाइक इंस्पिरेशनली दे हैव shown us the really good potential that India has, and it was a, India is always a tourism based thing. They have some big monuments like Taj Mahal is there. There is something in northwest, northeast in the region from where I have came from, Kolkata and everything. And it was really a very good moment in my life right now. And that's all I have for today. Thank you so much. Good evening, everyone. Me Rudra Prasad Kaur from Kolkata. मैं ये IHM भुवनेश्वर में पढ़ता हूँ फर्स्ट ईयर में। बस प्रोग्राम तो अच्छा था, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब अबाउट द टूरिज्म, फिर क्या क्या होता है, मतलब इस प्रोग्राम की वजह से मुझे पता चला कि क्या क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पता चला, बस यही सब। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।